Hey guys, welcome back to my channel. This is Neha Goyal and you are watching My Life, My Style. So, कैसे हैं आप? ठीक है ना? आप तो अपना ध्यान ज़रूर रखना. कोविड वैसे अब उतना नहीं है, बट स्टिल अपना ध्यान रखना. इतना लापरवाह मत होना एंड मास्क का यूज़ करना ज़रूर जब भी आप बाहर जाओ. So, चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में. अब मैंने रिसेंटली कुछ महीने पहले एक इंटर्नशिप की थी एंड मैं उसी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के भी काम आ जाए, आप लोगों को भी इससे कुछ सीखने को मिल जाए. सो वीडियो पूरी ज़रूर देखना एंड कुछ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे भी बताना एंड कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट टू द वीडियो. सो जैसे ही अनलॉक हुआ था इन मिड ऑफ जून सो मैंने एक इंटर्नशिप के लिए मैंने आप एक वैकेंसी देखी थी कि मतलब मेरे एक एरिया में एक इंटर्नशिप अवेलेबल है. तो मैंने उसके लिए इमिडिएटली अप्लाई कर दिया एंड लकीली वो इंटर्नशिप मुझे मिल भी गई एंड मैंने जुलाई से उस इंटर्नशिप को स्टार्ट कर दिया. मेरी इंटर्नशिप थी, मैंने एक टैक्स कंसल्टेंट फर्म के अंदर मतलब एज अ इंटर्न ज्वाइन किया था कि बेसिकली मुझे अकाउंट का वर्क करना था, मतलब टेलीकॉम वर्क सीखना था मुझे. मैंने मतलब कभी किया नहीं था, सो दैट्स वाई मैंने उसको ज्वाइन कर लिया. मेरा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया सीख जाएंगे, सो इसलिए मैंने उसको ज्वाइन कर लिया. सो मैंने वो इंटर्नशिप 3 महीनों तक के लिए की, जुलाई अगस्त एंड सितंबर में 3 महीने के लिए इंटर्नशिप की. सो बेसिकली मेरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक ठाक रहा. हाँ थोड़ा सा मतलब ऑफिस उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, बट सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिल गए जो मुझे आई थिंक लाइफ टाइम मेरे फ्रेंड्स रहने वाले हैं एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इंटर्नशिप. तो अब बात ये आती है कि आप मेरी इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं. बेसिकली दोस्तों, अगर आपने कोई कोर्स किया है या आपने कोई ग्रेजुएशन की डिग्री ले लिया लेकिन आपको उसको एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, या अगर आपने कोई एक्स्ट्रा स्किल का कोई कोर्स भी कर लिया है लेकिन स्टिल आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इंटर्नशिप इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस. अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है तो किसी भी कंपनी में एज अ इंटर्न ज्वाइन कर लीजिए. हाँ इमीडिएटली आपको उस टाइम आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, तो स्टाइपेंड मिलेगा, बट स्टिल आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जो आपको आगे जाकर एक अच्छी जॉब मतलब हासिल करने में बहुत काम आएगा. तो इसलिए इंटर्नशिप काफ़ी हेल्प करती है एंड आई थिंक सबको एक बार इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना ही चाहिए एंड इंटर्नशिप एक बार कर भी लेनी चाहिए. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए करते हो, कि आपको 2 महीने 3 महीने जितना मर्जी करना उतना मर्जी कीजिए, लेकिन इंटर्नशिप एक बार ट्राई ज़रूर करनी चाहिए. आपको स्किल्स गेन करने में और एक्सपीरियंस गेन करने में बहुत हेल्प मिलती है. सो मैंने कभी टेली का कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं किया था लेकिन मुझे टेली का काम सीखने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था एंड जैसे ही मैंने इस इंटर्नशिप के लिए वैकेंसी देखी तो मैंने इमिडिएटली अप्लाई कर दी है एंड मुझे इंटर्नशिप मिल गई. सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को वहाँ से मिला. बिना किसी कोर्स के मैंने टेली का बहुत सारा काम वहाँ पर सीख लिया. सो दैट्स द बेस्ट थिंग कि मुझे इंटर्नशिप ने जो मुझे दी, जो मुझे लगता है कि मैं कोर्स करके भी शायद उतना नहीं सीख पाते जितना मैंने इंटर्नशिप करके सीख लिया. सो मेरा भी यही कहना है कि अगर आप भी किसी चीज़ में कहते हैं आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसी फील्ड में इंटर्नशिप कर लीजिए. इंटर्नशिप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा एंड बहुत एक्सपोजर मिल जाता है आपको कि मतलब काम कैसे होता है, क्योंकि कोर्स में आपको सिर्फ सिखाया जाता है कि कहते हैं थियोरेटिकल वर्क सिखाएंगे, लेकिन इंटर्नशिप में आपको एक्चुअल वर्क करने को मिलता है. तो उस एक्चुअली आप वर्क करोगे तो करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड आई थिंक वो एक बार करना भी चाहिए एंड आई थिंक सबसे बेस्ट थिंग होगी ना अगर आपको काम करने का मौका मिल जाएगा, पता चलेगा उसको यूज़ कैसे करना है, आपके पास जो स्किल्स है उसको यूज़ कैसे करना है, उसको कैसे काम के लिए यूज़ करना है. सो इसलिए एक बार इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए. अगर आप भी किसी चीज़ में करना एक्सपीरियंस गेन ना करना चाहते हो तो इंटर्नशिप करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नेवर फॉरगेट, ना रुकना ना झुकना, जीना सिर्फ अपने ढंग से. आफ्टर ऑल इट्स माई लाइफ एंड आई विल लिव इट इन माई स्टाइल. टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल.